जासवाल भाई बेसबॉल का घंटा बजा के रख दिया है। बेसबॉल बड़े बड़े अक्कड़ के साथ आ रहे थे, बेसबॉल खेलेंगे, डकट बड़ा बेसबॉल खेल रहा था, बट जासवाल ने आके नानी याद करा के रख दी है। जासवाल यार एक युवा खिलाड़ी, लकड़ पकड़ ये काकड़ मकड़, कोई 700 गिरा रहा, कोई 500 गिरा रहा, कोई 200 गिरा रहा डकेट के, कोई स्टॉक के 150 गिरा रहा। अबे बेटा मैंने आपसे कहा था 400 नहीं करेगा, कल क्या होता 400 नहीं करेगा, ये है टीम इंडिया। मेरे पास तो कल तक वो लड़के हो जो कल बैठ के ये बकवास खेल रहे थे कि यार इंडिया ने तो बड़ी बुरी क्रिकेट खेली है, इंग्लैंड तो बेसबॉल खेल गया, इंग्लैंड तो ये करके निकलने के साथ साथ घंटा बजा दिया इंडिया ने पकड़ के। जो बैटिंग किया या यशस्वी जायसवाल ने भाईजान, उस बंदे ने प्रॉपर प्रॉपर बैटिंग किया, छक्के पे छक्का और चौके पे चौका। इंडिया ने अपना जायसवाल जो इंट्रोड्यूस करवाया और उसने मार मार के इंग्लैंड के बॉलर्स की उल्ली निकाल दी है। मैं इंडिया की परफॉर्मेंस आज ऐसी लगी ना जैसे वो नहीं होता शेर शिकार करता है, कोई भी पार्टनरशिप की है आज, मैं कहता हूं यार माइंड ब्लोइंग, इतनी अच्छी पार्टनरशिप यार बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की। बेसबॉल इज इक्वल टू जायसवाल और जायसवाल इज द वन के जो बेसबॉल को टक्कर देता है और आज एक बार फिर उसने टक्कर देकर दिखाई है। बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है, जबरदस्त इनिंग्स खेली। क्या बात, ये बात है, मजा आया। जय हिंद दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल क्रिकबेट स्पॉट में स्वागत है। दोस्तों आज भारत ने पूरी दुनिया को बताया भारत टेस्ट क्रिकेट में क्यों नंबर वन टीम है। दोस्तों आज भारत ने इंग्लैंड को बुरी तरह पेल दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। दोस्तों इंग्लैंड ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि भारतीय टीम इस तरह कमबैक करेगी। भारत की शानदार कमबैक पर पाकिस्तानी मीडिया ने जमकर तारीफ करी। यूं तो पाकिस्तानी मीडिया हमेशा भारत की हार पर जश्न मनाती है, लेकिन दोस्तों भारत ने जिस तरह कमबैक करी है उसके बाद तारीफ करने पर मजबूर हो चुकी है। दोस्तों इस पर आपकी राय क्या है कमेंट कर जरूर बताएं। जायसवाल भाई बेसबॉल का घंटा बजा के रख दिया है। बेसबॉल बड़े बड़े अक्कड़ के साथ आ रहे थे, बेसबॉल खेलेंगे, डकट बड़ा बेसबॉल खेल रहा था, बट जायसवाल ने आके नानी याद करा के रख दी है। जायसवाल यार एक युवा खिलाड़ी, पानीपुरी बेचने वाला, टेंट में सोने वाला, व्हाट अ स्टोरी, क्या बैटिंग है, क्या स्किल है, क्या क्लास है, क्या बुलंद हौसले है यार। हर में इंजरी हुई है, बैक स्पैज़म लग रहा है, वो हुआ है, बट स्टिल कह रहा है मैं खेलूंगा। वो रोहित शर्मा इंटरफेयर ना करता, उसने कहना था मैंने खेलना है। ये हौसला होता है यार, ये नेशनलिज्म होता है यार, इस तरह से तगड़ा रह के खेलना होता है, इस तरह से अगली टीमों को जेर किया जाता है, और वो जायसवाल ने किया और अभी भी नॉट आउट है यार। क्या कमबैक किया इंडिया ने यार, आप देखो तो सही यार। ओह माय गॉड, लकड़ पकड़ ये काकड़ मकड़, कोई 700 गिरा रहा, कोई 500 गिरा रहा, कोई 200 गिरा रहा डकेट के, कोई स्टॉक के 150 गिरा रहा। अबे बेटा रेडी लो, रेडी रेडी पे सब्जी, अपनी इज्जत बेचने से, अपना ईमान बेचने से रेडी पे सब्जी बेचो। अबे गटरो तुम्हें क्या पता क्रिकेट क्या होती है, बड़ा हवा में उड़ते हैं, अंडरग्राउंड होंगे, अब उनको आना पड़ेगा। अभी लाइव शो में थे, कह रहे थे कि जी ये इंग्लैंड लीड लेगा, वरना मैंने आपसे कहा था 400 नहीं करेगा, कल क्या होता 400 नहीं करेगा। लाइव शो में आपसे कहा आते ही मैच स्ट्रोक जाएगा, फोर्स उसके पीछे जाएगा, मिक्स विकेट आएंगी, सिराज भी कर लेगा, जडेजा भी कर लेगा, और बताएं और क्या बच्चे की जान लेंगे, और टीम इंडिया से क्या मांगते हैं, और क्या मांगते हैं, क्या करें। अश्विन नहीं है, बोला रात को कि ये टीम अश्विन के लिए करेगी, ये टीम करके दिखाएगी, ये है टीम इंडिया। सही बात है। मेरे पास तो कल तक वो लड़के हो जो कल बैठ के ये बकवास खेल रहे थे कि यार इंडिया ने तो बड़ी बुरी क्रिकेट खेली है, इंग्लैंड तो बेसबॉल खेल गया, इंग्लैंड तो ये कर गया, इंग्लैंड तो वो कर गया, इंग्लैंड मेरा छनगना कर गया, इंग्लैंड मेरा घंटा करके गया है, वो आज आपने देख लिया क्या करके गया है। 209 पे दो आउट और 319 पे लुढ़के, 319 पे बटका दिया पकड़ के, छनकने के साथ साथ घंटा बजा दिया इंडिया ने पकड़ के 319 पे, और फिर जो इंडिया ने रिप्लाई किया है 196 इंडिया ने कर लिया, और इंडिया के दो आउट है, इंडिया के 196 पे दो आउट है, इंडिया ने पूरे का पूरा डंडा इनके अंदर घुसा दिया, इतना बड़ा इनके अंदर घुसा दिया। लेकिन जो बैटिंग किया जायसवाल ने, जो बैटिंग किया या यशस्वी जायसवाल ने भाईजान, उस बंदे ने प्रॉपर प्रॉपर बैटिंग किया, ये बड़ी अच्छी बात कही है। दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा, इंग्लैंड ने सपने में भी ये कभी नहीं सोचा होगा कि भारतीय टीम इस तरह कमबैक करेगी। दोस्तों भारत ने पूरी दुनिया को बताया ये बेसबॉल बेसबॉल कुछ नहीं है, भारत को भारत में आकर हराना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। दोस्तों जब इंग्लैंड की टीम कल 221 पर सिर्फ 2 विकेट गिरा था, उसके बाद पूरी पाकिस्तानी मीडिया, पूरी इंग्लिश मीडिया जश्न मनाना शुरू किए थे, लेकिन दोस्तों भारत ने आज 319 पर पूरी इंग्लिश टीम को समेट दिया, तबाह बर्बाद करके रख दिया।
दोस्त इसके बाद पूरी पाकिस्तानी मीडिया ने भारत की जमकर तारीफ करी है। पाकिस्तानी मीडिया यूं तो भारत की हार पर जश्न मनाती है, लेकिन दोस्तों भारत ने जिस तरह कमबैक करी है उसके बाद पूरी दुनिया का दिग्गज क्रिकेटर भारत का दीवाना हुआ। दोस्तों इस पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद और भारत माता की जय।